हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का ट्रिक फॉर यू चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी जो हम जियो म्यूजिक पे सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं उसको हम कैसे अपने लोकल म्यूजिक प्लेयर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली प्रोसेस है, ये आप आसानी से सीख जाएंगे। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक भी ज़रूर करना। ओके, तो जैसे आप कोई सा भी आपको जैसे आप सॉन्ग चाहते हैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने लोकल म्यूजिक प्लेयर में, तो आपको क्या करना है, आपको जौन सा भी सॉन्ग चाहते हैं ट्रांसफ़र करना है उसको, सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना है। तो जैसे कि मैंने ये डाउनलोड कर लिया, जैसे ये डाउनलोड हो रहा है सॉन्ग, देखिए सॉन्ग डाउनलोड हो गया, उसको क्या करना है, प्ले कर लेना है, फिर पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद अब आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको जाना है एंड्रॉयड फोल्डर में। एंड्रॉयड फोल्डर में जाएंगे, फिर जाना है आपको डाटा में। डाटा में जाएंगे, फिर आपको जाना है फाइल में com.go.media में, जैसे कि ये रहा। फिर जाना है फाइल्स में, फाइल्स में जाने के बाद आपको जाना है सॉन्ग्स में। सॉन्ग्स में जहाँ जिसके आगे लिखा हो current.mp4, वही जो आपने उस पर क्या था क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, रिनेम करना है। जब आप रिनेम कर देंगे तो MP4 लिखा है, 4 की जगह आपको 3 लिखना है, 3 लिखना है। अब जो CRR लिखा है उसको काट के जो भी आपके सॉन्ग का नाम है वो लिख देना है। अब ये सेव कर देंगे हम। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद हम आप किसको क्या किसी भी फोल्डर में क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर दीजिए। जब आप पेस्ट कर देंगे तब तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए अब ये गाना हमारे क्या लोकल प्लेयर में चलेगा। अभी देखिए मैंने सिर्फ क्लिक करा, अभी देखिए मेरा जो लोकल प्लेयर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक।